महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर राजघराने के संस्थापक और कश्मीर रियासत के पहले महाराज के रूप में जाना जाता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गुलाब सिंह महाराज रणजीत सिंह की सेना में एक पैदल सैनिक था। उन दिनों जम्मू सिख साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे संभालने की जिम्मेदारी अगार खान को सौंपी गई थी। अगार खान ने अपने मंत्रियों के बहकाने पर महाराजा रणजीत सिंह को कर देने से मना कर दिया, जिसके बाद रणजीत सिंह ने राजौरी पर हमला करने के लिए अपनी फौज भेजी। इस फौज में एक डोंगरा सिपाही गुलाब सिंह भी शामिल था। गुलाब सिंह ने अगार को कैद कर महाराजा रणजीत सिंह के सामने पेश कर दिया, जिससे महाराजा रणजीत सिंह की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ गई। महाराज ने गुलाब सिंह को इस क्षेत्र पर निगरानी रखने का काम सौंप दिया। बाद में अमृतसर संधि के अंतर्गत महाराज गुलाब सिंह ने कश्मीर को 75 लाख रुपए में खरीदा और लद्दाख पर फतह पाई। गुलाब सिंह का इस पर्वतीय अंचल पर शासनाधिकार मिल जाने से लगभग एक चौथाई सदी से पंजाब के सिख साम्राज्य की उत्तरी सीमा रेखा के पास छोटी छोटी रियासतों के बीच चल रही मुहिम और कूटनीतिक चर्चा का अंत हो गया। ब्रिटिश हुकूमत की समाप्ति के साथ ही जम्मू और कश्मीर भी आजाद हुआ। गुलाब सिंह के पुत्र महाराज हरि सिंह ने फैसला किया कि वो भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित ना होकर स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थक आजाद कश्मीर सेना ने राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिससे महाराज हरि सिंह ने राज्य को भारत में मिलाने का फैसला किया। उस विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। उस समय भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि इस राज्य के लोग अपने स्वयं के संविधान द्वारा राज्य पर भारतीय संघ के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करेंगे। जब तक राज्य विधानसभा द्वारा भारत सरकार के फैसले पर मुहर नहीं लगाया जाएगा, तब तक भारत का संविधान राज्य के संबंध में केवल अंतरिम व्यवस्था कर सकता है। इसी क्रम में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर से संबंधित राज्य उपबंध केवल अस्थाई है, थाई नहीं। अब मोदी सरकार ने इस धारा को खत्म कर इतिहास का एक अध्याय ही खत्म कर दिया।